और साथ में जो सूरज जब गिर रहा है ना, मतलब इतना मतलब अमेजिंग लग रहा है ना। और इस रूट पे मतलब मेरा मन था कि ऐसे ही अपना व्यू आए और सामने से बाइक चलती है, वो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार क्या होता है कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे कि आपने वो सारी चीज़ें एक्सिक्यूट कर ली है, बट एट द एंड क्या होता है कि वो चीज़ें एक्सिक्यूट करने के बाद आपका काम हो जाता है ख़राब, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया, ऋषिकेश से मसूरी तक का ब्लॉग मैं बना के लेके आया था, वो ब्लॉग क्या बोलते हैं मोटो जो ब्लॉग था मेरा, वो हो गया डाटा करप्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, मतलब सीरीज़ जो चल रही थी 1, 2, 3, 4, 5 की, तो उसमें से एक सीरीज़ बीच में से उड़ गई, तो उसको कैसे एडजस्ट करूँगा। मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बट फिर मैंने सोचा कि मेरे पास बाकी के 4 तो है ना, तो बीच वाला जो उड़ गया था उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देखते हैं। अब हम उस रास्ते से तो वापस जाएंगे नहीं, पर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो उसको शूट कर लेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी अपना जो प्लान है क्या है कि अपन मार्केट जाएंगे, मार्केट जाके वहाँ से अपना थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करेंगे, शॉपिंग करने के बाद अपना ब्रेकफास्ट, अगर वहाँ प्लान बना तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और उसके बाद सीधे यहाँ आके चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि चेकआउट का टाइम जो है चेंज हो चुका है। पहले 12 से 11 होता था, अब 12 से सिर्फ 10 रह गया है, तो उनको भी 2 घंटा चाहिए चेकआउट करने के लिए। तो अभी अपन क्या करते हैं, फटाफट से पहले पैकिंग कर लेते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं फटाफट से, और शॉपिंग करके फिर वापस आके बैग उठाएंगे और निकल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा रोड पे अभी। तो अभी आ गए अपन मार्केट में, माल रोड में। तो क्या बोलते हैं उसको, अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, इट्स 9:06 इन द मॉर्निंग, और मुझे नहीं पता कि मार्केट खुली होगी कि नहीं खुली होगी। तो अभी हम फटाफट से चलते हैं, जो शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो करते हैं, और अपना फिर हमें निकलना भी है। आई लाइक दिस सनग्लासेस, क्योंकि ये अपना दोनों काम करती है, सनग्लासेस का काम भी करती है और साथ में नज़र वाले चश्मे का भी काम करती है। आगे चलते हैं मार्केट में। तो अभी जिस दुकान से शॉपिंग करनी थी, जिसका मतलब मूड था, ये है यूपी कॉटेज एंड विलेज, तो अभी ये बंद है। तो अपना जो प्लान है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, अब आगे जाके देखना है कि कुछ और मिलता है कि नहीं मिलता। हम शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए सवेरे सवेरे, और इतनी सवेरे जल्द मेरे को लगता नहीं कि मार्केट खुलती होगी। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, ड्रेसअप हम कर चुके हैं, अब निकलने लगे हम लुधियाना की ओर। तो उससे पहले अगर मार्केट जाएंगे 10:30 के नज़दीक, क्योंकि 10:30 के नेड़े तेड़े मार्केट खुलनी थी, और तो मार्केट जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और वहीं से सीधा क्विक क्विक निकल जाएंगे। तो बैग पैकिंग हमने कर लिया है, तो ये पैकिंग अपनी पूरी हो चुकी है, बस अब सिर्फ निकलना बाकी है, पेमेंट करेंगे नीचे होटल की और निकल जाएंगे फटफट से। तो अब मिलते हैं सीधा आपको बाइक पर। तो अपना तैयारी हमने कर ली है, तो अभी हम मार्केट जाने लगे हैं, तो मार्केट जाके बस हाफ एन आवर में आ जाएंगे वापस। तो पहले बाइक को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाइक को गर्म करना, नहीं तो बहुत दिक्कत देगी शुरू में ही। अपना निकल गए मसूरी, निकल गए मसूरी मार्केट के लिए। तो कुछ सामान थोड़ा सा पिक करने हैं, तो वो पिक करके वापस यहाँ से वापस निकल जाएंगे। होप सो कि मार्केट अब खुली हो। ओह माय गॉड, तो भाई साहब वापस चल रहे हैं हम मसूरी से लुधियाना की ओर। शॉपिंग अपन ने कर ली है, ग्लव्स ले लिए, ये अपना ले लिया, ये जो आगे टांगा हुआ है नाम मेरे को याद नहीं अभी, फ्लैग। तो मसूरी मेन रोड पे हम आ चुके हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से पहले देहरादून, देहरादून से सहारनपुर और सीधा लुधियाना। तो अब स्पीड पे करते हैं थोड़ी, काफ़ी लेट हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं, यहीं पर निकलना था, हमने 10-11 बजे और शॉपिंग करते करते थोड़ा सा लेट हो गया है, बट इट्स टाइम टू गो।
मसूरी का आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। अब देहरादून सिर्फ यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर बचा है और फटाफट से देहरादून पहुँचते हैं पहले तो, ताकि नॉर्मल रोड आए और स्पीड हम और ज़्यादा पकड़ सकें। तो काम करते हैं, आपको सीधा मिलता है देहरादून। तो भाई साहब अपन पहुँच चुके हैं मसूरी से देहरादून प्रॉपर सिटी के अंदर। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पर कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए बाहर। और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है देहरादून, मतलब कि इतनी साफ सफाई, बहुत ज़्यादा साफ सफाई है यार, बहुत ज़्यादा। जो जो शॉपिंग मैंने मसूरी से की है उसकी मैं डिटेल आपको अलग से व्लॉग में दिखाऊंगा। मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी हैं, परचेज की हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक्स। मतलब आप कभी जाते हो बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए, होता है कि एक्साइटमेंट रहती है कि एक चीज़ वहाँ से लेके आए ताकि यादें बनी रहे, यादगार रहे वो चीज़ की, वहाँ से हम ये लेके आए थे, वहाँ से हम ये लेके आए थे और वहाँ से वो ये। तो वैसे ही मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं अपनी यादगार बनाने के लिए, कि मैं मसूरी से ये लेके आया था, मैं अलग अलग प्लेसेस जा जा के क्या क्या लेके आया वगैरह वगैरह। तो पता है सबके लिए। एंड भाई साहब ये जो झटके है ना, मतलब एक स्पीड ब्रेकर रहता था बात अलग होती है, यहाँ 10-12 स्पीड ब्रेकर है, एक साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इतना झटके लगते हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं। बट इस टाइम पे बैग फुल जोरों में फुल भरा हुआ है और भाई शोल्डर इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द। बट अब 350 किलोमीटर की राइड है, कैसे कैसे करके पूरी करनी पड़ेगी आज की डेट में। शाम 7 बजे तक का टाइम रखा मैंने पीक कि पहुंचना ही पहुंचना है, तब तक आगे चलते हैं। तो एक छोटे से टनल में अपनी एंट्री हुई है, यह टनल है देहरादून को रुड़की से जोड़ता है, आई थिंक सो रुड़की या सहारनपुर से, मतलब ये यहाँ देहरादून प्रॉपर ख़त्म हो जाता है। आगे का जो रास्ता है वो यूपी शहर पड़ जाता है। पर परफेक्टली ख़त्म हो जाता है, बहुत छोटा टनल है। अभी अपन है अम्बाला से 12-13 किलोमीटर दूर। तो अम्बाला अपन पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो व्लॉग अपन यहाँ से शुरू किया है देहरादून से, अपना क्या कहते हैं उसको सहारनपुर, सहारनपुर से यमुनानगर, यमुनानगर से अपना अब पहुँचे अम्बाला। जगाधरी वाला रूट मैंने नहीं लिया इस बार क्योंकि वो सुनसान रूट है, मेरे को रिस्क लगा तो मैंने सोचा कि चलो नहीं यार इस बार वो वाला रूट नहीं लेते हैं, इस बार ये वाला रूट लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ में जो सूरज जब गिर रहा है ना, मतलब इतना मतलब अमेजिंग लग रहा है ना। और इस रूट पर मतलब मेरा मन था कि ऐसा ही अपना व्यू आए और सामने से बाइक चलती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं अम्बाला से 10 किलोमीटर दूर हूँ अभी तक। अम्बाला में पहुँचने बहुत ज़्यादा गंदी रोड है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी रोड है कि अगर आप ब्रेक लगाओगे तो यहाँ पे मतलब गिरने के चांसेस दुनिया भर के हैं। मेरा अभी राइट लेग का टूट गया है, बहुत दिक्कत दे रहा है राइट लेग का, अब लेग गार्ड के साथ मेरा जो हेड लैम्प है वो भी ब्रेक हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। पर चलो जो भी है जैसा भी है, अभी आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कब ये रोड खराब ख़त्म होगी। बहुत ज़्यादा ही ख़राब और गंदी रोड है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग रोड है। तो राइट ना मैं अम्बाला क्रॉस कर चुका हूँ और अंधेरा पूरा हो चुका है। तो अपने को लगेंगे 2 घंटा लुधियाना पहुँचने में, मिनिमम 2 घंटा, क्योंकि स्पीड मैंने रखी है 63-64, तो ज़्यादा भी लग सकते हैं।
क्योंकि यहाँ से है लुधियाना 108 किलोमीटर, तो अपन है जो स्पीड को ज़्यादा नहीं रख सकते मेंटेन, क्योंकि अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है। बट आगे आगे चलते हैं और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो देखता हूँ कुछ खाने में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। मतलब मैं देख रहा हूँ कि अगर मैकडी KFC वगैरह कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा मतलब। एंड अब तो भाई साहब कमर की तो वाट लग चुकी है पूरी तरह से, तीन तीन बैग टांगे में ना, जो जिससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं ये। अरे कब मैं घर पहुँचूँगा, कब मैं रेस्ट करूँगा। इतना ज़्यादा रश इस रोड पे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतना रश कैसे हो गया यहाँ पे। बस तो गड़बड़ हुई है यहाँ। ओहो शिट। साइड से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। मतलब अपन अकेला इस हाईवे पे अभी तक चढ़ चुका है और मेरे को पता नहीं कि हाईवे आगे सही है कि नहीं है, बट मैं हाईवे पे चढ़ चुका हूँ और वहाँ आधा घंटा ऐसा ट्रैफिक जाम था ना, जबरदस्त वाला ट्रैफिक जाम कहते हैं वो था। तो मैंने कैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के हाईवे पे चढ़ गया। ओह माय गॉड क्या बात है। मतलब ये हाईवे ना आगे जाके जुड़ चुका है मेरे ख्याल से और अपने को अब कोई दिक्कत नहीं है, अपन बिल्कुल सीधे रास्ते पे फिर से जा रहे हैं। बट मेरे को लग रहा है कि हम लुधियाना की जगह कहीं और तो नहीं जा रहे, तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि लुधियाना की जगह कहीं और तो नहीं है, नहीं तो ये ना हो कि हम लुधियाना की जगह राजपुरा वगैरह कुछ जगह पे पहुंच जाए और बाद में हमें वहाँ से वापस यूटर्न लेना पड़े। तो भाई तो प्लान तो किया भाई कि अपना क्या कुछ खाएंगे खन्ना रोड पर, बट एक्चुअली जाम बहुत ज़्यादा लंबा है, इतना ज़्यादा लंबा जाम दे रखा है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या ऐसा हुआ है मेरे को, क्योंकि खुद नहीं पता जाम के बारे में और ना ही मुझे कोई नॉलेज थी इस बारे में। तो ये जाम जो है लुधियाना तक लगा हुआ है, एक्चुअली कोई स्ट्राइक वगैरह है। तो सवेरे अभी मैंने बात की थी पुलिस वाले से, तो वो कह रहे थे कि 1:30 बजे से ये जाम लगा है। तो अभी तो अपना क्या है कि अभी तो अपन की फटके हाथ में आ चुकी है, क्योंकि मेरे को तो जाना है घर, कैसे जाना है वो नहीं पता। तो अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढते ढूंढते देखते हैं कोई तो रोड निकलेगी यहाँ से। तो अंदर अंदर गलियों गलियों से कैसे ना कैसे करके निकलना ही पड़ेगा। मतलब वापस लुधियाना आके ना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक नंबर लग रहा है। और उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं ऋषिकेश नहीं पसंद करता या और कुछ, रीज़न ये है कि बीच में जो जाम लगा था ना राजपुरा से लेके अपना गोविंदगढ़ तक, मतलब वो जाम इतना ज़्यादा बेकार था, इतना ज़्यादा वो एक्चुअली जाम नहीं था, वो किसी चीज़ का रोष प्रदर्शन हो रहा था। तो जैसे तैसे करके गलियों से जो निकला ना मैं, मतलब बता नहीं सकता अपनी खुशी। मैंने पीछे खाना तक छोड़ा कि नहीं खाना नहीं खाना, हम निकलते हैं पहुँचते हैं, क्योंकि अगर बीच में कहीं और जाम लग जाता है तो काम ख़राब हो जाता, क्योंकि ट्रक बहुत ज़्यादा जा रहे थे तो जाम कहीं ना कहीं तो लगता ही लगता। तो अब थोड़ा सा सुकून मिला है कि मैं वापस लुधियाना आ गया हूँ, अंदर एंट्री हमने ले लिया, तो अब कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है ज़्यादा। तो अब एक काम करेंगे, या तो घर जाकर खाना खाएंगे, या तो देखता हूँ रास्ते में से कुछ खाने का मन करेगा तो रास्ते में से खा लेंगे कुछ। बट लिटरली अंदर आके ना बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है, मतलब अभी एक्साइटमेंट पूरी हो चुकी है कि हाँ अब आई एम सेफ। मतलब पहली बार सोलो ट्रिप और ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी मुझे लास्ट में, बता नहीं सकता मैं क्या। तो अभी फटाफट से चलते हैं यहाँ से, तो मेरा घर है जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में है। तो देखता हूँ घर जाना है कि अपना यहीं पर पहले बैठ के कुछ खाता हूँ, वो डिसाइड करना है। अभी डिसाइड करने के बाद मैं आपको भी बता दूंगा कि मैंने क्या डिसाइड किया।
तो मैंने बाहर खाना खाने के बजाय घर पे खाना खाने का डिसीजन लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजपुरा और गोविंदगढ़ के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो फिर से क्रिएट हो जाए। तो मैंने सोचा कि यहीं पे खाना खा लेता हूँ घर पर, और घर का खाना भी खा लूँगा इस बहाने। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ब्लॉग मेरा आगे करने का कंटिन्यू रखने का कोई मन नहीं बन रहा। तो यहीं पर करते हैं ब्लॉग को एंड। इफ़ यू एंजॉय दिस ब्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मासूम टेक केयर एंड टू व्हाटएवर यू वांट टू माय लवली फ्रेंड्स। अमिगोस अडिगोस बाय बाय शबाकर।